अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज देवबंद में मुनाकिद एक होली मिलन प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आपसी मेल मिलाप और एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करके हम आहंगी को बरकरार रखा जा सकता है। मुल्क की तरक्की और अमन व सलामती के लिए यहाँ की कदीम रिवायतों और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। देवबंद के मुत्तसिल मौजा भाईला में बीजेपी लीडर कर्नल राजीव की रिहाइश गाह पर मुनाकिद होली मिलन तकरीब में मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, इसलिए भाईचारा को तकबीयत देना और फ़िरका परस्तों को शिकस्त देना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सबको फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखते हुए खुशगवार माहौल बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आज फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं और समाज के अंदर नफ़रत का जहर घोल रहे हैं, हम इस तरह की तमाम हरकतों को कंडम करते हैं। उन्होंने कहा कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में आपसी भाईचारे को कायम रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फ़िरका परस्ती और नफ़रत मुल्क की तरक्की की राह में भी बड़ी रुकावट है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब वाले इस मुल्क में सदियों से अवाम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि वो मुल्क में आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए हमेशा से कोशां हैं और आगे भी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर मिलने जुलने से दिलों की दूरियाँ ख़त्म होती हैं, इसलिए इस तहजीब और रिवायत को बरकरार रखना चाहिए। कर्नल राजीव ने मौलाना अरशद मदनी की आमद पर खुशी इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी अदना सी दावत में मौलाना मदनी की आमद हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत से आपसी भाईचारे को फ़रूग मिलता है। इस मौके पर कुलदीप सिंह, नीरज राणा, राजपाल सिंह ठाकुर, हुकम सिंह बल्लू, चोग धैमान, राम भरोसे, बबली सिंह, धर्मपाल सिंह वगैरह मौजूद रहे। दोस्तों, ये थी खबर मौलाना अरशद मदनी साहब से मुतालिक किए। कल वो एक होली मिलन के प्रोग्राम में पहुंचे थे और वहां जाकर के बड़ा बयान दिया। दोस्तों, आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।